वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए, आज जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, एक नया बाइक लेके आए हैं जो इलेक्ट्रिक ही है और इसको मैंने भी परचेज कर लिया है और इसका रिव्यू मैं इसके बाद थोड़ा सा दूंगा। सबसे पहले मैं परिचय कराता जाता हूँ इनके जो बाइक के मेरे ओनर है। सर, मेरा नाम हरमीत सिंह है और एम आर मोटर्स यूनिक का मेरी कंपनी है और ये आपको जो स्कूटी है ये इसका मॉडल का नाम फ्यूचर 2020 है और जो सर ने भी परचेज करी है और इसमें जो है आपका 80 to 110 किलोमीटर्स का माइलेज है और आपका तीन से चार घंटे की आपकी चार्जिंग होगी और आप इसका लाइट्स भी देख सकते हैं कि इसका DRL कैसा है और लाइट्स कैसे। फीचर्स और लुक काफ़ी वाकई में हमें बहुत पसंद आए थे। इसके लाइट्स यहाँ वाले के DRL है, इसके लाइटर्स हैं इसके, तो ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं जलने में और ये दोनों के लिए अच्छा है, चाहे लेडीज ड्राइव करें, चाहे बच्चे ड्राइव करें, चाहे आपका जेंट्स भी ड्राइव कर सकते हैं, बच्चे भी ड्राइव कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बहुत अच्छा है, जैसे गड्ढे होते हैं या पत्थर होते हैं तो उस पर गाड़ी आराम से निकल जाएगी, आपकी गाड़ी बिल्कुल हर्ट नहीं होगी इस पर आपकी बिल्कुल। और सारा आपका बैटरी पे डिस्प्ले आएगा इसका कि कितनी बैटरी बची है, कितना डिस्चार्ज हुआ है और कितना बाकी है और आपको कितना किलोमीटर जाने जा सकते हो आप, तो ये आपका। और इसमें 100 अगर हम क्लेम करते हैं 110 तो ये आपको 100 तो फर्स्ट मोड पे और सेकंड मोड पे आपको दे ही देगी। ये हमारा टेस्टेड है और कस्टमर का भी टेस्टेड है, तो हम वही बात करते हैं जो कस्टमर से टेस्टेड है। सर, इसकी मेन इश्यूज होता है बैटरी का, इसकी बैटरी के बारे में कुछ आइडिया दीजिए क्योंकि बैटरी लिथियम की है और आपकी बैटरी जो जिस तरह से मैंने भी ली है तो काफ़ी अच्छी बैटरी है जी, उसके बारे में मेरे कस्टमर को बताइए। हमारे इंजीनियर को बताइए, ये हमारे इंजीनियर गुरफाम ये आपको बताएंगे बैटरी के बारे में। इस बैटरी की सबसे ज़्यादा अच्छी खासियत मुझे जो लगी है वो यहाँ पे बैटरी का थोड़ा सा जो बैटरी आप अलग से निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स होते हैं, ऐसे जो कस्टमर हो इसको बनना चाहते हैं, ईवी को लेना चाहते हैं लेकिन वो अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट में रहने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि चार्ज करने का बहुत इश्यूज रहता है। तो मैं इसकी इधर तरफ बैटरी की तरफ एक बार कैमरा लाना चाहूँगा, ये देखिए इसमें जो बैटरी का है इश्यूज वो इन्होंने भैया ने बहुत अच्छा इसमें सॉल्व किया गया है। इसको इसमें अटैच कर लेंगे जी, यानी कि बैटरी का इश्यूज हमेशा के लिए सॉल्व हो गया है, ये इजीली अटैच हो गया है। और फ्रेंड्स मैं इसमें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कोई भी आपका घर पे ले जाइए इसको बैटरी को डिटैच कर लिया है, गाड़ी से एकदम अलग आ गई, इसको घर पे रूम पे ले जाइए या और उसके बाद सीधे इसमें प्लग अटैच कर दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी से मैनेज कर दीजिए और इसको चार्जिंग का इशू सॉल्व हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो बाइक को ईवी को लेना चाहते हैं उनका इशू सबसे बड़ा इश्यूज यही है कि इसको चार्ज करने का इश्यूज था। और इसमें जो दिखाया गया है 2020 बाइक में इस तरह का इश्यूज इजीली रिसॉल्व हो गया और इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। ये एक्चुअली सारे हमारे जो ब्रांड्स हैं पेटाडो और बैटमे दोनों में ये ऑप्शन है, ये आप चार्जिंग में लगा सकते हैं। ये चार्जिंग का देखिए चार्जर है, ये इजीली इसमें चार्जिंग में अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया और सीधे हमारा ये प्लग में चला जाएगा, ऑन कर दिया जाएगा। नॉर्मल सॉकेट से कोई भी है आप उससे यूज कर सकते हो और कोई पावर सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ऐसा ही ना भैया जी। जी, और ये हमारा इसका बढ़िया सा चार्जर है जो ऑटो कट भी हो जाता है ना भैया जी, जी, जी। इसमें ऑटो कट का होता है यानी कि आपको एक्स्ट्रा इसका आगे नहीं कि बैटरी फूलेगी, एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बैटरी पे प्रेशर पड़ेगा, इसका भी कोई भी इश्यूज नहीं आ रहा है भैया। इसमें एक चीज और मैं देख रहा हूँ, बैटरी के ऊपर लिखा है LFP जी, LFP के बारे में कुछ अच्छा सा बताइए क्योंकि मैंने LFP का नाम काफी अच्छा सुना है। LFP का सर ये मेथड होता है कि LFP के जो चार्जिंग वाले सेल होते हैं उसमें बहुत अच्छा मटेरियल लगा होता है, अच्छा, जिसकी लाइफ कम से कम 7 साल होती है, अच्छा, और एक लिथियम आयन बैटरी होती है उसकी 5 से 6 साल लाइफ होती है। ओके, डिपेंड करता है आप इसको कितना चार्ज करते हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 110 की माइलेज ये बैटरी देती है, हाँ। अगर आप 50 किलोमीटर चला चुके हैं तो आप इसको घर पे आके चार्ज मत करें जब तक आपकी बैटरी में 25% बचे ना बैटरी, अच्छा, ये इसका प्रोडक्ट होता है, मतलब काफी अच्छा यूज कर। अच्छा एक चीज और है कि अगर हमने ज्यादा यूज कर लिया तो बैटरी क्या गाड़ी हमारी नॉर्मल स्पीड में चलेगी या कम हो जाएगी स्पीड?
वही स्पीड रहेगी जो टॉप स्पीड पे दिखाती है। अरे जो स्पीड इसकी बनी भी है उसी स्पीड में हमेशा बनी रहेगी, अगर कम भी बैटरी होगी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लिथियम का एक यही मेथड होता है कि अगर लास्ट मोमेंट तक की बैटरी बच गई है तो स्पीड आपकी वही रहेगा, वही पिकअप रहेगा, वही इसकी वो इलेक्ट्रिक में है। खास बात ये की 2000 साइकिल का इसमें सर्कल रहता है, तो मतलब कि अप टू 2000 साइकिल आप 2000 बार चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साल में आपने 300 बार चार्ज किया है, 365 दिन होते हैं, तो अगर 300 बार आपने चार्ज किया तो आप मान के चलो 5 साल में आपके या 6 साल में 1800 बार आप चार्ज करते हो, तो 2000 का हम कह रहे हैं आपको साइकिल चलता है और एक साइकिल एक बार का चार्जिंग मान लो, तो वो 2000 चार्जिंग आपकी 6 साल में लगभग जाके पूरी होती है। तो ये इसका आपका लिथियम फॉस्फेट का एडवांटेज होता है। मैं साइकिल को समझाता हूँ, भैया साइकिल बता रहे हैं, साइकिल का मतलब होता है आप एक बार इस बैटरी को लगा के चार्ज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादातर जो लिथियम या दूसरी बैटरीज होती हैं बहुत इतना साइकिल उनका नहीं होता, यानी कि आप बार बार इसको लगा के चार्ज करते रहोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 365 दिन देखो तो 2000 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, कई साल आपकी इजीली चल जाएगी। इसको डायरेक्टली अटैच किया, बैटरी को चार्ज किया, अटैच किया, चार्ज किया, ये जो अटैच करके बार बार चार्ज करने को इसको साइकिल कहते हैं। ऐसे ही ना भैया, सेम चीज़ ही है इसके बारे में। भैया इसको वापस अपना अटैच MCB का एक और फीचर। बहुत ही इजी पैटर्न में खाली उठा के रख देना होता है। हाँ थोड़ा सा भारी होती है तो ध्यान से और आराम से रखना होता है। MCB के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, MCB अगर आप डेली चला रहे हैं तो इसको ऑन रखिएगा। अगर कुछ ऐसा है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन आपको घर पे गाड़ी खड़ी रखनी है तो MCB ऑफ कर देने का एक फ़ायदा ये मिलता है कि अगर जितनी भी बैटरी में हमारे पास बैटरी चार्ज होती है वो डिस्चार्ज नहीं होती, सप्ताह भर महीना भर के बाद भी आप दोबारा से आओगे और इसको यूज़ करोगे तो खाली MCB ऑन किया आपने और अपनी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का होता है जी, बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ये लॉक वाला होता है, लॉक बटन दबाने से क्या होता है कि इस गाड़ी का जो मोटर होता है वो लॉक हो जाता है। ये अगर आप कहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, कोई गाड़ी को आगे पीछे करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। इसको अनलॉक करने के लिए अनलॉक ऑप्शन होगा इस पर, सेकंड वाला जी ठीक है। और फिर ये इसका थर्ड ऑप्शन है, इसको 2 से 3 बार पुश करने पे गाड़ी आपकी बिना चाबी लगाए रिमोट से ही गाड़ी ऑन हो जाएगी। अच्छा। और आपका लास्ट मोमेंट वाला है जो अलार्म होता है, एंटी थेफ्ट अलार्म है। अच्छा, एंटी थेफ्ट अलार्म कुछ हुए तो गाड़ी को तो बच जाएगी अपने आप, में तो अपने आप ही साइलेंट हो जाएगा। अच्छा, जो आपने अभी ऑटो स्टार्ट किया थी इसको ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपने थर्ड वाली की से अगर आप रिमोट से ऑन करते हैं गाड़ी तो रिमोट से ही ऑफ करिए, उसी की को दोबारा दबा देना है जी। अच्छा, सेम की स्टार्ट करने के लिए, सेम की ऑफ करने के लिए, ऑफ करने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन। अच्छा, सेकंड वाला नहीं, चाबी वापस। हाँ, इसमें फ्रेंड्स अगर आपने की से स्टार्ट किया तो चाबी को आपको लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने चाबी लगाई है तो फिर आपको की से स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली चाबी आपको लगाना है इसको और ऑन कर लिए। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए एक फायदा और बहुत अच्छी चीज जो मुझे दिख रही है, फिर मैं पूछना भी चाहूंगा, यहाँ पे पी दिख रहा है, पी का मतलब ये क्या हो रहा है? पी का मतलब होता है पार्किंग मोड पे गाड़ी खड़ी हुई है। पार्किंग मोड पे, यानी कि पार्किंग मोड में इसके बाद अगर हम एक्सीलेटर भी, क्योंकि ज्यादातर ईवी में एक्सीलेटर छूते ही गाड़ी चलती है, और पार्किंग मोड में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गाड़ी है और यहाँ पे हम एक्सीलेटर चाहे जितना यूज करें ये बढ़ती हमें नहीं दिख रही। इसका मतलब ये मेरे ख्याल से मोड बहुत अच्छा बना है। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर गाड़ी को एक्सीलेटर ले लेते हैं, तो अगर आपने पार्किंग मोड में रखा हुआ है तो नहीं। इसका कोई बटन भी होता पार्किंग मोड में रहने का? राइट हैंड में थॉटल के पास ही ब्लैक। अच्छा, ये छोटा सा जो बटन फ्रेंड्स दिख रहा है ये देखिए, ये ऑन ऑफ का। अगर ऑन कर देंगे तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अगर जैसे भी आप एक्सीलेटर लेंगे तो गाड़ी बढ़ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे वापस अगर आपने ऑफ कर दिया है तो यहाँ पे पार्किंग मोड हो गया, आप चाहे जितना एक्सीलेटर लिया जाए वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फ्रेंड्स ये जो तीनों मोड है इसमें अलग अलग स्पीड दी है, यानी कि जो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें कम स्पीड आएगी, इससे सेकंड वाले में और ज्यादा स्पीड आती है, और तीसरा वाला अगर आप मोड ऑन कर देते हैं तो इसी अपनी टॉप स्पीड में रन कर रहा होता है।
टॉप स्पीड मतलब बन की जाती है, अगर आप सिंगल में चला रहे हैं तो अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। तो आगे हम इसके फीचर्स पे चलते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ आपके हॉर्न भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, दोनों साइड से हॉर्न मिल जाते हैं जिधर भी आपको सुविधा दिख रही है। साथ ही साथ इसकी लाइट पे यहाँ पे जाते हैं, ये वाला बटन है लाइट का, आप लाइट ऑन कर सकते हैं। अगर सेंटर में कर देंगे तो पार्किंग वाले मोड में आ जाएंगे, अगर लास्ट में आ जाएंगे या छोटा सा स्टिक बना हुआ है इसका मतलब हमारी लाइट्स चारों तरफ से ऑन हो गई है। और साथ ही साथ अपर और डिपर दोनों प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप अपर और डिपर भी देख रहे हैं। इसके पेरिफेरल्स में अगर देखें तो दोनों साइड में, अगर आप मेरी गाड़ी देखोगे जिसमें मैंने यूज कर लिया है, उसमें दोनों तरफ से यहाँ पे इसके ग्लासेस और मिरर्स भी हैं जो आप इसमें लगे हुए अटैच देखोगे, और यूएसबी पोर्ट भी इसमें दिया गया है। अगर चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप इजिली हटा दोगे और यहाँ पे मोबाइल के चार्जिंग पे पोर्ट यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत अच्छा फीचर मुझे दिखा क्योंकि ज्यादातर ई बाइक्स में इतना मजबूत एंगल मुझे नहीं मिला, और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा वेट को कैरी कर सकते हो, और यहाँ पे स्पेस भी इतना ज्यादा है कि आप अगर जितना अगर बोरी भी लादोगे तो भी इजिली मेंटेन हो जाएगी, रखी जा सकती है, सिलेंडर भी हम लोग ला सकते हैं, और इसका अगर इसमें आप अटैच कर दोगे तो सबका वेट ये झेल लेगा। साथ ही साथ अगर बच्चों के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे पानी की बोतलें भी रख सकते हो, उनके सामान छोटे मोटे रख सकते हो। साथ ही साथ इसमें डिग्गी में भी स्पेस मतलब भर का होगा जिसमें आप मतलब भर के सामान आप रख सकते हो। बच्चे के खड़े होने की भी स्पेस अच्छी है, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे बच्चे के खड़े होने का भी है। और इस पे डिस्प्ले पे वापस आ जाते हैं, इस डिस्प्ले में भी बहुत सारे फीचर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। भैया इसमें बताइए क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, स्पीड कितनी आ रही है यहाँ पे दिख रही है, ये वाला स्पीड वाला है जी, ये वाला कौन सा मोड है, ये बैटरी वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज भी दिखा रहा है यहाँ पे, स्पीड भी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से हम गाड़ी को बंद करके ऑन करते हैं तो दोबारा से स्पीड जब ऑन होती तो पता था कितने किलोमीटर चल रही है या फिर नहीं चली है, उसके बाद जीरो आएगा। और जब आप स्टार्टिंग चलाओगे यहाँ से देखिए जीरो हो गया, और यहाँ से जब चलाओगे तो नॉर्मल चली हुई गाड़ी की स्पीड बता रहा होगा। इसी तरह के भी ये फीचर है ना, हाँ सेम ही फीचर यही है क्योंकि मेरे पास भी यही सेम गाड़ी है और इससे पहले भी मैं ईवी रख चुका हूँ। और एक चीज और बता दूं, ये जो मेरा एरिया है ये कल्याणपुर का एरिया कहलाता है, रिंग रोड है, और यहाँ पे कम से कम अच्छे खासे शोरूम्स हैं जो मैंने भी अब इसी गाड़ी को लिया है, और इससे पहले मैंने ज्यादातर ट्रेवल किया था। यहाँ पे आपको गाड़ियों को शोरूम के नाम नहीं लूंगा, आप ऑटोमेटिकली विजिट करो, यहाँ पे बहुत सारे हैं। और लेकिन MR मोटर्स को आप जरूर विजिट करना क्योंकि इसके फीचर्स, इस गाड़ी की जो फंक्शनैलिटीज मुझे देखने को मिली है वो दूसरी जगह पे नहीं मिली है फ्रेंड्स। एक चीज तो बताने ही भूल गए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इस गाड़ी के लिए आपकी इसका लुक देखिए कितना बढ़िया है, लेकिन इस गाड़ी के लिए आपको RTO की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को बहुत बढ़िया बनाया गया है, लेकिन उसे किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कागज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डीएल की तरह से एक कार्ड मिल जाता है जो आपकी जेब में रखना है, और रिमेनिंग किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। फिर भी अपने जो प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट जरूर यूज कीजिएगा जब भी आप इस गाड़ी को चलाइए, क्योंकि हेलमेट अपना यूज के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए होता है, रिमेनिंग इसके लिए और अदर्स कोई कागज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बैटरी पे है इसलिए पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है, ज्यादातर फ्री रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको आने में भी कोई इश्यू नहीं होगा, खाली कल्याणपुर आप चले आना, कल्याणपुर में फैमिली बाजार 3 या फिर उसी के सटावा आपको अपोजिट में आता है बद्री सर्राफा के ठीक अपोजिट में कल्याणपुर में ये पड़ता है, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली किसी से पूछ ले बद्री सर्राफा कहाँ है या फिर फैमिली बाजार 3 कहाँ, ऑटोमेटिकली वहीं पे छोड़ते हैं सामने। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो हमें सामने मिरर से भी फैमिली बाजार दिख रहा होगा शायद फ्रेंड्स आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये पसंद जरूर आए तो गाड़ी जरूर विजिट कीजिएगा, सेंटर पे आइएगा देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।